हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह में फिराक गोरखपुरी की रचना गजल पढ़ने जा रहे हैं। फिराक गोरखपुरी ने ये जो रचना गजल लिखी है, इसमें ये बहुत ही सुंदर तरीके से अपने एक प्रेम को, एक प्रेमिका प्रेम अपनी प्रेमिका के लिए कैसे होता है उसको व्यक्त किया है उन्होंने। तो इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। नोरस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन पे परतोले हैं। मतलब यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि जब कलियाँ अपनी नाजुक पंखुड़ियों को खोलती है तो उनमें से जो रंग और खुशबू है वो पूरी तरह से आसमान की तरफ इस तरह से उड़ता है कि वो पूरे गुलशन में, पूरे आसपास के मौसम में अपने रंग और खुशबू को बिखेर देता है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो शब पे सन्नाटे कुछ बोले हैं। यहाँ लेखक क्या कहता है कि रात के सन्नाटे के समय जैसे कि ऐसा लग रहा है कि तारे जो आसमान में वो भी आंखें झपका रहे हैं, मतलब सोने जा रहे हैं, और जर्रा जर्रा मतलब आसपास का हर कण कण सब कुछ सो रहा है, शांत है, और ये सन्नाटा है। इस सन्नाटे में वो कहते हैं कि तुम भी सुनो, क्या तुमको भी कोई आवाज़ आती है सन्नाटे की? मतलब लेखक को यहाँ इस सन्नाटे में अपने प्रियतम की याद आ रही है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो ले वे है, हम किस्मत को रो ले है। यहाँ लेखक अपनी किस्मत को और अपने आप को दोनों को बराबर बताते हैं। वो क्या कहते हैं कि इस प्रकार से उनकी किस्मत खराब होने पर वो अपनी किस्मत पर दुखी होते हैं, उसी प्रकार से उनके जीवन को दुखी देखकर उनकी किस्मत भी उससे दुखी होती है, और दोनों ही एक दूसरे पर दुखी होते हैं एक दूसरे की किस्मत को खराब देखते हुए। जो मुझे बदनाम करे है काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। वे उन लोगों से बात कह रहे हैं ये कि जो लोग उनके प्रेम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि ये वो लोग नहीं जानते हैं। लेखक उन्हें बताना चाह रहा है कि वो लेखक को बदनाम नहीं कर रहे हैं, वे अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप के पर्दे और राज खोल रहे हैं कि वो कितना दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, कितनी दूसरों से जलन करते हैं। वो लेखक बता रहा है कि लेखक की बदनामी नहीं है, उन्हें बदनाम करने वालों की स्वयं की बदनामी है। ये कीमत भी अदा करें हम बदरुस्ती है होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी हो लिए हम। मतलब लेखक अपने प्रेमी से क्या कह रहा है कि हमने तुम्हारे प्रेम की पूरी कीमत अदा कर दी है। मतलब प्रेम की कीमत क्या होती है, जब आप किसी को प्रेम में अपने आप को समर्पित कर देते हो पूरी तरह से, तो आप उस प्रेम में दीवाने हो जाते हो। लेकिन लेखक यहाँ क्या कह रहा है कि वो खुद पूरे होशो हवास में इस बात को जानते हुए भी अपने आप को अपने प्रेमी को समर्पित करता है और अपने आप को दीवाना बना लेना चाहता है। तेरे गम का पास है अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले है। वो क्या कहता है लेखक कि उसे अपने प्रियतम के गम का ख्याल तो है, अपने प्रियतम के गम के बारे में चिंता है, लेकिन साथ ही साथ उसे दुनिया की चिंता भी है, दुनिया का ख्याल भी है, इसलिए वो इस दर्द को सबके सामने जाहिर ना करते हुए चुपके चुपके अकेले में रोता है। फितरत का कायम है तवाजुन, अलम हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। यहाँ बताते हैं कि मनुष्य की जो फितरत है वो इश्क और मोहब्बत में भी वैसी ही बनी हुई है, वहाँ पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। जिस प्रकार से जो हुस्न मतलब खूबसूरती और इश्क प्रेम के माहौल में भी देखें, तो इंसान की जो फितरत है, जो उसकी आदत है, वो वैसी ही बनी हुई है कि प्रेम में और इश्क में क्या है कि आप जिस अपने आप को जितना समर्पित करते हो बदले में आपको उतना ही मिलता है, क्योंकि हर मनुष्य की फितरत तो यही होती है, जितना मिलेगा उतना देगा, तो इसमें भी मोल भाव बराबर है। आओ ताब अशा न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। लेखक क्या कहता है कि जो लोग मेरी शायरी की इतनी तारीफ करते हैं, वो मेरी शायरी में डूब कर ये बोलते हैं कि मेरी शायरी इतनी अच्छी है, इतनी शानदार है, तो वो ये बोलते हैं कि मेरी शायरी में जो चमक है उसकी इतनी तारीफ करते हैं,
तो वो बोलते हैं कि जो मेरी शायरी है ये मेरे प्रेम की, जो मेरी आंखों में प्रेम के आंसू हैं वो मोती बनकर जो झरते हैं उसकी चमक मेरी शायरी में नजर आती है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मई में रिंदों को, रात गए गर्दे पे फरिश्ते बागे बाबे गुना जग खोले हैं। अब यहाँ पर लेखक बताता है कि जब रात में खुदा के फरिश्ते जब गुनाह का और अच्छे कर्मों का, मतलब पाप और पुण्य इन दो कर्मों का लेखा जोखा जब लिखते हैं, उस समय हम तो हमारे आशिक को प्रेमी को याद करते हुए शराब खाने में, हम शराब के नशे में अपने आप को डुबोए रहते हैं। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। यहाँ जो लोग ऐसी तारीफ करते हैं कि फिराक की जो गज़लें हैं वो इतनी खूबसूरत कैसे हैं, उनसे पूछते हैं कि तुमने इतनी खूबसूरत गज़लें लिखना कहाँ से सीखा है, वो बोलते हैं कि तुम्हारी गज़लों में तो मीर की तरह से गज़लें नज़र आती है या मीर जैसी रूहानियत दिखती है। तो वो उनको यही कहते हैं कि मेरी ये गज़लें जो हैं मेरे प्रीतम के प्रेम के कारण मेरी गज़लों में इतनी सुंदरता आई है। इस प्रकार से प्रेम की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति यहाँ पर हमें लेखक ने, फिराक ने हमारे सामने दी है, जिससे कि प्रेम की पवित्रता और उसके रूहानीपन को बिल्कुल हमारे सामने रखा है। आशा है आपको यह सब पंक्तियाँ अच्छे से समझ में आई होंगी। धन्यवाद।